Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. मिस्टर मॉरिस, डॉक्टर हॉकिंस कहाँ हैं? मशरूफ हैं वो, कोई शदीद बीमार है। जिम, हाँ? गहरी सांस लो। एक बार फिर से। मेरा तजुर्बा कहता है कि इनके लंग्स सही काम नहीं कर रहे। जान बचाने के लिए जल्द इलाज करना होगा। उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। मुझे ये फूल चाहिए जो इस किताब में बने हुए हैं। हाँ, ये यहाँ मिले मुश्किल है। वो केमिकल्स जो इन फूलों में हैं, इनके इलाज के लिए वो सबसे बेहतर हैं। इन्हें फूलों का रस पानी में मिलाकर देना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इस कायनात में बहुत कुछ छुपा है, बस खोजना होता है। मेरे साथ आओ, कुछ दिखाना है। तुम्हारी राय चाहिए मुझे। पहले देखने में तो ये कब्र लग रही थी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि जिसने भी ये किया है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। अब खुद ही देखो कि इस कब्र पर लगे पत्थर पर क्या लिखा है। सेलर, स्मगलर, कुक, मनमौजी और पता नहीं क्या क्या। और आखिर में लिखा है, यहाँ गहरी नींद सो रहे हैं लॉन्ग जॉन सिल्वर। हाँ, लॉन्ग जॉन, तुम जानते हो, क्या वो पायरेट था? हम दोनों साथ सफर कर चुके हैं, सब जानते हैं कि वो पायरेट था। जिम हॉकिंस एक पायरेट से मिलता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। इस बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को भी नहीं, ट्रस्ट मी। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुम यकीन करो। बहुत सालों पहले लॉन्ग जॉन एक कुक था वॉरस नामी जहाज पर, जो कि एक मशहूर पायरेट जोशुआ फ्लिंट का जहाज था। लॉन्ग जॉन, आज खाने में क्या खिला रहे हो? भूख लगी है शार्क की तरह मुझे। खाने पीने के अलावा तुम्हें कुछ सूझता ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारे साथ सफर पे जाने से मुझे नफरत है। बहुत लकी हो तुम, इतना बड़ा शिकार पहले कभी हाथ नहीं लगा। बेहतर है कि गोश्त के साथ साथ सब्जियां खाने की भी आदत डाल लो। वो जहाज कैरेबियन सी में खुफिया जजीरे की तरफ जा रहा था, जहां ये पायरेट्स लूटा हुआ माल छुपाने जा रहे थे। मगर कैप्टन फ्लिंट के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने जहाज के तहखाने में बारूद भरा हुआ था। फ्लिंट ने सोचा कि वो खजाने से भरा संदूक छोटी कश्ती में रखकर चंद लोगों के साथ आगे का सफर तय करेगा और बहरी जहाज बारूद की वजह से कुछ देर में तबाह हो जाएगा और उसके साथ ही जहाज में मौजूद तमाम लोग मारे जाएंगे। जजीरे पर पहुंचने के बाद वो बाकी सबकी भी जान ले लेगा। मगर लॉन्ग जॉन फ्लिंट के हाथों इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं था।
क्या बात है कैप्टन, लगता है कोई कीमती चीज खो गई, या कहीं आप इसके खोने का गम तो नहीं मना रहे? उस जहाज पर तुम जो कुछ कर रहे थे, हर चीज पर नजर थी मेरी। क्या समझ रहे थे कि मैं तुम्हारी इस चालाकी को समझ नहीं पाऊंगा? आज के बाद तुम सबका कैप्टन मैं हूँ। खजाने को छुपा दो और नक्शा बना लो। बिली बॉन्स ने खुफिया गार में उस खजाने को छुपा दिया और उसने वहां का नक्शा बना लिया, जिसकी मदद से वो वहां आसानी से पहुंच सके। और तूफान आने की वजह से वो लोग वहां से फौरन चले गए। उन्होंने फ्रेंड को वहीं उसी हालत में छोड़ दिया था। और फिर ये ठीक नहीं किया लॉन्ग जॉन, हाथ पर खून क्यों नहीं लगा? हैरत है। तुम्हें नई जिंदगी मिली है। क्या है? खामोश। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। खड़े हो जाओ अपने पैर पर। हवा के साथ चलो, तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। अंदर आ जाओ। खजाना, मेरा खजाना, सिर्फ मेरा, ये सब सिर्फ मेरा है। पीछे हटो वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। रुको, वहीं रुक जाओ। कुछ नहीं मेरी ताकत के आगे तुम। मैं हूँ हॉरिकॉर्न, इस जगह का मालिक। मैंने तुम्हें जिंदा किया और अब से तुम्हें मेरी गुलामी करनी होगी पूरी जिंदगी। तुम जो भी हो, सुनो, कैप्टन जोशुआ फ्लिंट किसी की गुलामी नहीं करता। तुम्हारी गुलामी की शुरुआत हो चुकी। तुम्हारा दिल अब मेरे कब्जे में है। ये तभी धड़केगा जब मेरा कहा मानोगे। तुम्हारा कहा मानूंगा? चाहते क्या हो तुम? सब कुछ शुरुआत इस खजाने से करेंगे। नहीं, ये खजाना मेरी जमीन से निकला है और वापस वहीं जाएगा। काम शुरू करो। ये काम खत्म करो, फिर एक और काम है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं। और दूसरी तरफ लॉन्ग जॉन अपने साथियों के साथ शदीद तूफान से लड़ रहा था। कश्ती तूफान में बह निकली और बचने वालों में सिर्फ बिली बॉन्स और लॉन्ग जॉन सिल्वर थे। वहां से गुजरती एक तिजारती ब्रिटिश शिप ने उन्हें बचाया और वापस अपने मुल्क ले आए। वो सबको अपने सेलर होने का यकीन दिलाकर हर मशकूक नजर से बचते बचाते किसी तरह मुल्क में दाखिल हो गए। और फिर उन दोनों ने एक मुआहिदा किया। जैसे ही हमें दूसरा जहाज मिल जाएगा, हम वहां से फौरन खजाना ले आएंगे। अच्छा, तुमने अभी जिक्र किया था स्प्रिट्स का। Really? हाँ, तुमने सही सुना। रहने तो जानता था यकीन नहीं करोगे। जिम, रुको। जिम, मेरा मकसद तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। देखो, तुम और मैं जानते हैं कि कोई और वजह होगी कि फ्लिंट गोली लगने के बावजूद जिंदा रह गया। और तुम समझ रहे हो कि ये किसी जादू का कमाल है, तो ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। आपको क्या लगता है मैं नहीं जानता ये? मुझे इस बात का अंदाजा है कि कुछ चीजों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि उन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ, जरूरत हो तो गांव में मिलूंगा। अच्छा जिम, रुको एक मिनट। मुझे तुम पर यकीन है और मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बात के बीच में नहीं बोलूंगा। मैं इस कहानी में मौजूद हर चीज के बारे में जानना चाहता हूँ जिम, और तुम्हारा किरदार क्या था वो भी। अब तक तो मेरा कोई खास किरदार नहीं रहा। डोरसेट के साहिल पे होटल चलाने में अपनी मॉम की मदद करता था। तब मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी। जिम, लग लिया।
लाओ जल्दी। अभी लाया, मैं बस समंदर में खो गया था मॉम। कस्टमर्स के लिए खाना तैयार करना है, यहाँ किसी भी वक्त रश लग जाएगा। क्या रूम्स तैयार हैं? जी तैयार हैं। रूम नंबर 3 का एक बेड डैमेज हो गया है बस। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होती है। अब कारपेंटर को बुलाने का वक्त भी नहीं बचा मेरे पास तो। मैं देख लेता हूँ, आप फिक्र ना करें। थैंक्स। हाँ, वेलकम टू द एडमिरल बेनबो इन। मैं हूँ। हाँ? गाजर मिलेगी यहाँ। चुप हो जाओ फ्लिंट, और तुम सुनो, इस होटल में कोई रूम खाली है? जी सर बिल्कुल है, और उसके साथ मजेदार खाना भी है। ये बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? फिश, चिकन, मटन? सब ले आओ, मुझे भूख लगी है, और इसके साथ एक पुरसुकून जगह चाहिए। सब हो जाएगा सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। गुड बॉय, और आज रात कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, समझ गए? मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल रूम है। और मेरे लिए नहाने का इंतजाम करो, अब तो मुझे भी अपने पास से बू आने लगी है। हाँ ये सच है दोस्त, उसने मेरे सीने पे ऐसे चाकू रखा जैसे मुझे मार देगा, और मैंने फौरन पलट के अपने खंजर से वार किया और उसके टुकड़े कर दिए। मछली की तरह उसे काट पीट दिया। तुम्हें कोई मसला? नो सर, नो नो सर, आपने ठीक ही किया होगा। हाँ बिल्कुल सही किया, अगर सच बताऊं तो मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। ये आदमी बहुत ही डरावनी कहानियां सुना रहा है, ऐसा ही चलता रहा तो सब भाग जाएंगे। लोग एक सेलर की ऐसी कहानियां सुनना काफी पसंद करते हैं। मैं जब किले में दाखिल हुआ तो वो 30 लोग थे, नहीं 50 थे, नहीं 100 थे, और मेरे सामने चूहों की तरह मरे पड़े थे। आपको कुछ और चाहिए सर? सुनो बच्चे, जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ ये खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे कान काट कर चूहों को खिला दूंगा। आगे सुनो, फिर उनके साथियों ने मुझ पे पीछे से हमला किया, फिर मैंने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और उठा उठा के पटका ऐसे। मैं समंदर में था, लहरों से लड़ रहा था, और मुझ पर अटैक हो गया। फिर जानते हो क्या हुआ? मैंने उनके कैप्टन को एक उंगली से उठाकर फेंक दिया। ये देखकर सब भाग निकले। कितना खूबसूरत नजारा है ना? खतरनाक कहो बच्चे, तुम जैसों को ये समंदर निगल कर थूक देता है। आप कब से जहाज पे सफर कर रहे हैं? मैं तुमसे भी छोटा था जब पहली बार जहाज पर गया, और अब जमीन पर नहीं रहा जाता। तो फिर अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं किसी बहरी जहाज के इंतजार में हूँ जो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक ले जाए। मुँह बंद रखो अपना, और तुम जाओ अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा मसला नहीं। ये सजा है तुम्हारी, बहुत बोलती हो ना तुम। खजाना कहाँ है, इस राज को राजी रहना होगा। अब एक लफ्ज भी ना सुनूं तुम्हारे मुंह से इस बारे में, समझ गए? अगर ये नक्शा किसी और के हाथ लग गया तो समझो खजाना गया। इस नक्शे को जला दूंगा, बस एक बार याद हो जाए। खजाने का नक्शा? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसकी वो सारी बेवकूफाना कहानियां सच्ची थी? हाँ एक आइलैंड पे जाना है तुम्हें नॉर्थ की तरफ। और फिर क्या,
वहाँ जाके मुझे करना क्या होगा? उस आइलैंड पे जाकर वहाँ के गवर्नर को ढूंढो, आगे का प्लान फिर बताऊंगा। सर, आज की खबर काफी परेशान कुन है। इन पायरेट्स का डर तो खत्म होता जा रहा है। उन्होंने फिर से हमारे दो जहाज लूट लिए हैं। हमें कानून सख्त करना होगा, उन्हें ऐसे लूटमार करने नहीं दे सकते। लंदन वैसे ही जगहों के लिए लड़ रहा है और फ्रांस से भी लड़ेगा। ये आइलैंड उनके लिए कोई माने नहीं रखता। वैसे भी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करने में क्या हर्ज है, आखिरकार गवर्नर हूं मैं। लगता है ठीक जगह पहुंचा। hey, हिलना मत। सीधे खड़े रहो, बताओ कौन हो तुम, वरना जान से जाओगे। तुम भूत को मारोगे। कैदियों की सजाए मौत के पेपर्स आ गए हैं सर। ये लिस्ट है उनकी जिन्हें कल सुबह फांसी दी जाएगी। कौन हो तुम? हाँ, तुम यहां अंदर कैसे आए? हेल्प मी। खामोश। सुना नहीं मैंने कहा खामोश? बहुत खूब। मुझे लगता है कि तुम इससे कुछ पूछना चाहते हो। अब इसके बेस में तुम काम करोगे। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये क्या हुआ? तुमने क्या किया मेरे साथ? इसके लोग हम पर पाबंदियां लगा रहे थे, अब तुम गवर्नर बन के मेरे हुक्म के मुताबिक काम करोगे। तो असल गवर्नर के साथ क्या किया तुमने? उसकी रूह को उसके अबाव अजदाद के पास पहुंचा दिया और अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तो मैं गवर्नर हूँ, क्या बात है, जबरदस्त। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरा कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। तुम इस आइलैंड के सरबरा से कहीं बढ़कर होगे। यहाँ के लोगों पर हुक्मरानी करोगे और यहाँ आसपास की सारी जमीन तुम्हारी होगी। इसका कोई फायदा नहीं होगा। नेपोलियन की कोशिश भी नाकाम हुई थी, यहाँ के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तुम्हें ये होता ताकत के साथ मिला है और मैं तो साथ हूँ ही तुम्हारे। लोग डरने लगेंगे तुमसे, लेकिन अभी तुम्हें इन लोगों का साथ देना होगा। इनके लिए पायरेट से लड़ना होगा और ये प्लानिंग होगी, और वक्त आते ही तुम्हें अगले प्लान का बता दिया जाएगा। मौत है सबके लिए और सब मरेंगे, ये गवर्नर का ऑर्डर है। मैं जानता हूं इन सबको। इनकी जंजीरें खोल दो फौरन। सर, ये खतरनाक लुटेरे हैं। जो कहा है वो करो, वरना इनकी जगह तुम होगे। सर, जैसा आपका हुक्म। तुम मेरे साथ आओ। सर, आपने मुझे बुलाया? कमांडर, हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से लुटेरे हमारी शिप्स को बहुत आसानी से लूट रहे हैं। हमें उनको रोकने के लिए अपने समुद्री बॉर्डर्स बंद करने होंगे। अगर लंदन हमारी मदद नहीं करता तो फिर मेरे पास एक बहुत जबरदस्त प्लान है, लेकिन फिलहाल ये प्लान सीक्रेट रहना चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं मिलिट्री कमांडर हूँ यहाँ का। हाँ, तुम हो, और अगर यही रहना चाहते हो तो आइलैंड पर रहकर उनका सामना करोगे। सर, मेरा ये काम नहीं, मेरा काम यहाँ की हिफाजत करना है। मतलब तुम फेल हो गए, अब ये काम मुझे करना होगा। जैसा आप ठीक समझे सर। ये खतरनाक पायरेट भी आपके प्लान का हिस्सा होगा, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो। ये मेरा एडवाइजर होगा, मैं इस पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं, इसमें ये क्यों लिखा है कि ये शख्स बेरहम कातिल है? तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से बरतरफ किया जाता है, तुम्हारी जगह कोई और ज्वाइन करेगा मुझे।
तुम मुझे नहीं जानते शैडो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। अगर तुमने मुझे धोखा देने या भागने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम मौत की ख्वाहिश करोगे। गुड, अगर तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई हैं तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है जो कल सुबह से शुरू होगा। मैंने उससे कहा कि तुम झूठे हो, जो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मैं तुम्हें। डॉक्टर लेविसी, खुशी हुई आपको देखकर। मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, मैं तो घर पे रिलैक्स कर रहा था, लेकिन वो बूढ़ा शख्स रॉबर्टसन अचानक बीमार हो गया। गौर से सुनो जिम, जब मैंने उसे देखा तो उसे लंग्स का इन्फेक्शन था। उसे सांस लेने में काफी दुश्वारी हो रही थी और तेज बुखार की वजह से। मुझे मुदाखलत पसंद नहीं, जैसा कि मैं कह रहा था कि पहले तुम दोनों मुझे बोर कर रहे हो, कोई कुछ कह नहीं रहा। प्लीज कंटिन्यू, कहानियां सुनने का मुझे बहुत शौक है, वो खास सच्ची हो या झूठी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी कहानियां झूठी है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। एक डॉक्टर होने के नाते मेरी आपको एक सलाह है, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। आपको देखकर ही ये सब अंदाजा हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है जिम, वैसे इनकी स्किन पर हल्के धब्बे नजर आ रहे होंगे। आपने सही कहा डॉक्टर, इनकी स्किन वाकई काफी खराब हो रही है। हाँ, तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्किन के साथ गोश्त भी लटकता जा रहा है। बात हुआ, अपना मुंह बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। मुंह खोलो। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था, अब से इन्हें बैलेंस डाइट की जरूरत है और साथ में गाजर के सूप का इस्तेमाल भी ज्यादा। बंस किसी की नहीं सुनता, मैं वो करता हूँ जो मेरी मर्जी होती है। हाँ, ये आदमी किसी और को नहीं अपने आप को सजा दे रहा है। और हाँ, मैं सोच रहा था किसी दिन लाइब्रेरी चलते हैं, वहाँ कुछ नई बुक्स आई है, तो बताओ क्या तुम चलोगे? बिल्कुल चलूंगा, थैंक यू सर। अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर लेविसी, इस तरह के अच्छे लोग रोज रोज यहाँ नहीं आते। तो आप ये चाहती हैं मॉम कि वो जो इंस्ट्रक्शंस दें मैं वो मानता रहूं? हाँ? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर, वैसे काफी ठंड है बाहर। मुझे एक रूम चाहिए। हाँ? ये क्या कर रहा है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खतरा! कौन है? आ जाओ। क्या आप है मिस्टर बिली बॉन्स? हो सकता है, मगर कौन जानना चाहता है ये? हमारी मैडम आपसे मिलना चाहती है। इसका मतलब बिली बॉन्स के बारे में उसने जान ही लिया। तो ये बताना पसंद करोगे कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, और सच कहना। उसका नाम है मौत। बढ़ती ही चली जा रही थी, बहुत तबाही मचाई उसने। सब कुछ हमारी नजरों के सामने हो रहा था, हमारी जिंदगी भर की कमाई धुएं में उड़ रही थी और हम कुछ नहीं कर सके। बहुत बुरा हुआ। क्या नाम था उस शख्स का? क्या तुमने पता लगाया किसने भेजा था उसे?
उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं चला, बस एक के बाद एक खौफनाक हादसा होता चला गया। उस भड़कती हुई आग को मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और फिर कुछ देर बाद मुझे वो नक्शा मिला और उसे देखकर ऐसा लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे साथ चलो, तुम दोनों स्क्वायर ट्रिलोनी के घर रहोगे। डॉक्टर लिविसी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हादसे के बारे में। वो हादसा नहीं था, वो तो एक जिन। माफ कीजिएगा मुझे माय लॉर्ड। इट्स ओके, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है लेकिन होशियार है, इससे इसके मजबूत इरादों का पता चलता है। डॉक्टर बहुत कुछ बता चुके हैं आप दोनों के बारे में, आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आप लोगों को यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी, बस मॉर्टिमर को समझना होगा। इसके कुछ उसूल हैं जो फॉलो करने होंगे। ओह माय लॉर्ड, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मॉर्टिमर, इन्हें इनके रूम में ले जाओ। तुम एक मिनट रुको बॉय। लेविसी बता रहे थे कि तुम बड़े होकर फिजिशियन बनना चाहते हो, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होगी। यस माय लॉर्ड, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन। लेकिन क्या, तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि तुम्हें जिंदगी में कुछ और करना है? नहीं, ये बात नहीं है माय लॉर्ड, आपको कुछ बताना चाहता हूँ मैं। होटल में होने वाले हादसे के बाद मुझे ये नक्शा मिला जो आपको देखना चाहिए। हाँ। की तलाश है। वैसे देखने में तो ये कोई आइलैंड लगता है, लेकिन इसमें जो लैंडमार्क है और डायरेक्शंस है उससे जाहिर होता है जैसे यहाँ कोई खजाना छुपा हो। ये जरूर कैप्टन फ्लिंट के खजाने का नक्शा है, बिली बॉन्स ने जिक्र किया था। क्या कहा तुमने? फ्लिंट, उस चालाक पायरेट ने पहाड़ जितना सोना चुराया था पूरे कैरेबियन से। मुझे यकीन है कि वहाँ जरूर हीरे जवाहरात के अलावा भी कोई कीमती चीज होगी, जैसे कोडेक्स इंडिकस। The Codex Indicus. Yes, ये वो पहली स्पेनिश बुक थी जिसमें पूरे जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तिब्बी नुस्खे और एस्ट्रोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन थी, और इस इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया गया। देखा जाए तो ये कोडेक्स एक अनमोल तोहफा है जिसमें हर चीज का राज है। तुमने जो कहा वो मान लिया, लेकिन उस बुक का खजाने से क्या ताल्लुक? आखिरी बार इस बुक को एक स्पेनिश शिप पर देखा गया था जिसे फ्लिंट ने लूटा था। ये आप क्या कह रहे हैं? पायरेट्स हीरे जवाहरात चुराते हैं, बुक्स नहीं। नहीं, वो हर उस चीज को चुराते हैं जो वो अच्छे दामों बेच सके। अगर उस आइलैंड पे वो बुक है तो हमें उसे ढूंढना होगा। ठीक है, तो अब ये तय हो गया कि पहले हमें ढूंढना होगा ये आइलैंड है कहाँ। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं है जेम, वो तो उन्होंने कहीं मार्क ही नहीं किए। क्या मतलब है आपका? मतलब इसमें कोई नंबर, कोई इशारा नहीं है कि हम किस जानिब सेल करेंगे, इसलिए आइलैंड तक पहुँचना नामुमकिन है। मैंने सोचा था कि उस खजाने को हासिल करके अपनी मॉम के लिए घर बनाऊंगा। फिकर मत करो जिम, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम काफी थक गए हो, तुम्हें अब जाके आराम करना चाहिए। खामोश हो जाओ, कितना बोलते हो? ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं। माय लॉर्ड, हाँ क्रेजी, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे? नहीं नहीं माय लॉर्ड, ये तोता बार बार कुछ नंबर्स को दोहरा रहा है, शायद यही कोऑर्डिनेट्स हैं। लगता है तुमने इसके सामने क्रेजी बोला होगा। नहीं माय लॉर्ड, ऐसा नहीं है, इसने यकीनन बिली बॉन्स को ये नंबर दोहराते हुए सुना होगा। हाँ? ये कोऑर्डिनेट्स हैं आइलैंड पे पहुँचने के। बॉन्स तो बहुत चालाक निकला, मतलब अगर वो नंबर्स भूल जाए तो ये तोता उसे याद दिला दे। ध्यान से सुनो ये क्या कह रहा है। ओह, ग्लोब के पास चलो।
तो 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड 17 डिग्री लैटिट्यूड। ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत दूर है। वेल के शिकार के लिए आइडिया, लेकिन कैरेबियन बेस पायरेट के लिए बिल्कुल नहीं। लेट्स सी, यहाँ से चलें तो पहुँचेंगे इंडिया। शायद मैं जानता हूँ क्या करना है। हम देखेंगे 75 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री साउथ। वाह जबरदस्त, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर कोई आइलैंड नहीं। यहाँ देखो 75 वेस्ट एंड 15 नॉर्थ हमें लेकर जाता है इस पॉइंट। यूरेका, आइलैंड मिल गया माय बॉय, कैरिबियन सी के बीचों बीच। जेंटलमैन, इस तरह के मौके रोज रोज नहीं आते। हाँ? मेरा ख्याल है हमें क्रू तैयार करना चाहिए इस आइलैंड की तलाश के लिए। और तुम जिम हॉकिंस, अगर चाहो तो चल सकते हो हमारे साथ। तो बताओ कितने सालों का तजुर्बा है तुम्हारा? पूरे 10 साल सफर किया है प्रिंसेस बैरी के साथ सर। फिर तो तुम्हारा काफी आना जाना रहा होगा साउथहैम्पटन। कभी समंदर पार किया है तुमने? नो सर। दूसरा सेलर। कैप्टन स्मॉलेट, आप जैसा कैप्टन मैंने आज तक नहीं देखा। सुबह से ये 27वां सेलर था जिसे आप रिजेक्ट कर चुके हैं। पत्थरों में हीरा तलाश करना आसान काम नहीं होता, ये तजुर्बेकार लोगों का काम है। सिलेक्शन सही नहीं हुई तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अगली सर्दियों में भी नहीं पहुँच पाएंगे। Hey, ये मेरा सर है, तुम्हारा घोंसला नहीं। जाओ यहाँ से, मुझे मत सताओ। फ्लिंट, नो। कोई इसे बताए कि ये मेरा सर है, इसका घोंसला नहीं। इस तोते की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरा नाम जिम हॉकिंस है। अच्छा लगा तुमसे मिलके जिम। और मेरा नाम जोजो। और ऐसा रोज नहीं होता कि कोई मुझसे बात करने के लिए रुके। तो क्या तुम कारपेंटर हो? कारपेंटर, कुक या सफाई करने वाला, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि मैं हर वो काम कर लेता हूँ जिसका ऑर्डर मुझे मास्टर देते हैं। हाँ, मैं इस चिप पर एक छोटा सा मुलाजिम जिसे कोई भी खरीद ले और कहीं भी बेच। मगर ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? मेरे वालिद बादशाह थे अफ्रीका के, उनके मरने के बाद मुझे ही बादशाह बनना था, लेकिन मेरी किस्मत देखो मैं नहीं बन सका, और मैं आज भी इसी शिप पर हूँ, और अब यहाँ से निकलने की भी कोई उम्मीद नहीं। तुमने भागने की कोशिश नहीं की घर वापस जाने के लिए? ये इतना आसान नहीं है दोस्त, पहले भी 2 दफा भाग के देख लिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और फिर मुझे मास्टर बोल्डविन को बेच दिया गया। जब देखो बातें कर रहे होते हो, जल्दी काम खत्म करो वरना मुझे हंटर उठाना पड़ेगा। मैं अब इसी जहाज पे हूँ, भागने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सोचना भी नहीं इस बारे में, अगर तीसरी दफा कोशिश की तो। हाँ। चुप हो जाओ और इन नंबर्स को दोहराना बंद करो। हाँ? सबसे ज्यादा फनी वॉक सेलर की होती है। हाँ? हाँ? बहुत मुश्किल है ना? लेकिन अगर एक टांग हो तो यूं चलना आसान है। खैर, यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे स्क्वायर ट्रेलोनी ने ये चीजें लाने के लिए भेजा है, और मुझे एक शख्स को भी ढूंढना है जिसका नाम है लॉन्ग जॉन सिल्वर। खुशी हुई तुम्हें देखकर। सिर्फ एक ही लॉन्ग जॉन सिल्वर है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लगता है जहाज पर काफी लोग हैं। हाँ, मगर तो तुम लोग किसी लंबे सफर पर जा रहे हो? बस मैं इतना जानता हूँ कि हम इंडिया नहीं जा रहे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम किसी की बातों में नहीं आते, दिमाग से काम लेते हो, काफी समझदार लगते हो। और हाँ, तुम मुझे लॉन्ग जॉन कहके बुला सकते हो। और जानते हो, जब मुझे होश आया तो मैं उल्टा लटका हुआ था चमगादड़ की तरह, और जब मैंने अपने दोस्तों को गिरते हुए देखा तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिम, ये क्या हरकत है? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अगर मैं गलत नहीं तो क्या आप ही हैं स्क्वायर ट्रेलोनी? ओह माय लॉर्ड, मैं हूँ लॉन्ग जॉन सिल्वर, और हम जहाँ जरा कॉफी पी रहे थे माय लॉर्ड। मैंने इसे यहाँ भेजा था एक काम के लिए, इसलिए नहीं कि यहाँ बैठकर हॉट चॉकलेट पिए। ये सब मेरी गलती है, मैंने इनको इंतजार करवाया।
वैसे आपकी लिस्ट में मौजूद सारा सामान कल सुबह तक आपके शिप पर पहुंच जाएगा, लेकिन फिलहाल आप फ्राइड चिकन खाना पसंद करेंगे? फ्राइड चिकन बना है? यहाँ मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता माय लॉर्ड। अपने मुंह से अपनी तारीफ मिस्टर सिल्वर, ये तो हम खा कर ही बताएंगे। तुम्हें जिस आदमी की तलाश है वो अंदर बैठा है, अगर चाहो तो अपना काम कर सकते हो इस वक्त। नहीं, इस काम के लिए ये वक्त ठीक नहीं, बस अभी नजर रखो उस पर। शुक्रिया माय लॉर्ड, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपके सफर के बारे में सुन के मेरा भी दिल चाहने लगा है कि आपके साथ चले। क्या पहले कभी गए? सात समंदर घुमा हूँ सर, और ये टांग भी एडमिरल हॉक को बचाने में गवा दी है। यस, याद आया भाई, उनका नाम तो सभी जानते हैं। अगर तुम चाहो तो बतौर कुक चल सकते हो हमारे साथ, किसी को कोई मसला नहीं होगा। सच कहूँ तो वापसी पर हम मालामाल होकर लौटेंगे, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं, सीक्रेट। अगर हम चले गए तो, क्योंकि कैप्टन स्मॉलेट की वजह से अभी तक सेलर फाइनल नहीं हुए जो समंदर के रास्तों से वाकई। घबराइए मत माय लॉर्ड, मैं से बहुत सारे सेलर्स को जानता हूँ। माय डियर सिल्वर, यू आर अ गुड मैन। मैं तुम्हें ही खामोश, आराम से बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या कहा? नहीं जाओगी? मैंने कहा ना, मुझे चलना पड़ेगा। खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? आप मेरी असली माँ नहीं हैं, और अगर डैड जिंदा होते तो आप कभी ना करती। हे, नहीं, छोड़े इसे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। अगर दोबारा हाथ उठाए तो इससे भी बुरा होगा। रुको, भाग कर रही हो? चलो। तुम लड़कियों के भी कितना तेज भाग लेती हो। क्या मतलब लड़की हो के? क्या लड़कियां भाग नहीं सकती? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों लग रहा था कि हम तुमसे ज्यादा तेज दौड़ रहे थे? हाँ, सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इट्स ओके, तुम मुझे वैसे एक अच्छे लड़के लगे। मेरा नाम लिन स्टैंटन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। और ये है मेरी बड़ी बहन ट्रेसी स्टैंटन। थैंक यू, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं। वैसे वो लेडी कौन थी? वो खड़ूस हमारी सौतेली माँ है। मॉम के बाद डैड ने दूसरी शादी कर ली और फिर डैड गुजर गए, और हमें यकीन है कि इसके पीछे वही है। उन्होंने डैड को जहर दे दिया। हमारे डैड समंदरी जहाज के कैप्टन थे। जब वो घर आए तो बिल्कुल सेहतमंद थे, कोई बीमारी नहीं थी उन्हें, और दूसरे ही दिन उनकी डेथ हो गई। मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने जहर दिया था। अब डैड के पैसों पर कब्जा करके हमें कॉन्वेंट भेजना चाहती है, वरना वो हमारे साथ वही करेंगी जो डैड के साथ किया। अब हम घर वापस कभी नहीं जा सकते। शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया, हम खुद देख लेंगे। वो हमारा दोस्त है, ऐसा मत करो। मैं बड़ी हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो समझ आ गई सबको,
तुम सब के सब बहुत अच्छे हो, हार्ड वर्किंग सेलर्स। सिर्फ एहतियात की जरूरत है। वो कैप्टन बहुत चाहते हैं, उसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। तुम सबको खबरदार रहना होगा, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, छोटी सी गलती भी नहीं, मुझे फॉलो करना होगा, समझ गए? कैरेबियन सी के बीच खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। अगर किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम मुझे आकर बताओगे। मगर सिल्वर बिली बॉन्स कहाँ है? नक्शा तो उसी के पास है। बदकिस्मती से बेचारा बिली बॉन्स आग लगने की वजह से मर गया और नक्शा स्क्वायर ट्रिलोनिक के हाथों में जा पहुँचा। लेकिन एक शिप हमारे इंतजार में है जो हमें सीधा खजाने तक पहुँचाएगा। आगे जो होगा हम देख लेंगे। हे जोजो, रुको, मैं आ रहा हूँ। रहने दो जिम, अगर उसने मदद करते देख लिया तो मुझे और मारेगा। पता है जिम, यहाँ तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। ओह कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिम, हे जिम हॉकिंस, तुम्हारी मदद लेने के लिए मेरी बहन तैयार है। क्यों तैयार हुई, पूरी बात बताओ उसे। बताओ कि हमारी स्टेप मदर ने पुलिस लगाई है हमारे पीछे। फिर तो तुम्हारा यहाँ रहना किसी खतरे से खाली नहीं। तो फिर इन्हें कहाँ छुपा सकते हैं? मास्टर बोल्डविन के घर के पीछे एक जगह है, तुम इसे वहाँ लेकर चली जाओ, लेकिन मेरा नाम मत लेना। आज रात मैं स्क्वायर से बात करूंगा कि आगे का क्या प्लान है। तब तक कहीं छुप जाओ तुम दोनों, और कुछ भी हो बाहर मत निकलना। याद रहे कि तुम्हारे चेहरों पर ओह माय लॉर्ड, ये रही मेरी टीम, सब बहुत तजर्बाकार सेलर्स हैं। कैप्टन, क्रू फाइनल हो गया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मुझसे, ऐसा नहीं हो सकता। फैसला हो चुका है, कल सुबह हम अपने सफर के लिए रवाना होंगे। कैप्टन नाराज मत हो, छोड़े इन्हें, आपकी पोजीशन अपनी जगह है। जेंटलमैन, कल सूरज निकलते ही मुलाकात होगी। सुबह होते ही शायद ये लोग निकल जाएं। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने फैसला किया है उसे जाने देने का, मगर तुम उस पर नजर रखोगे। हाँ। ए, क्या कर रहे हो, तुम्हारे कांटे में एक छोटी सी मछली भी नहीं फंसने वाली। मछली तो फंस चुकी है। उस शख्स का काम हो गया। यानी मेरे सारे दुश्मन यहां से जा चुके हैं, बहुत खूब। यस, तुमने जो कहा वो कर दिया, अब है तुम्हारी बारी। अब तुम फॉलो करोगे मेरे ऑर्डर्स, और ये काम गवर्नर की तरह नहीं पायरेट की तरह करना है तुम्हें। कुछ समंदरी लुटेरे भाग रहे हैं, जाओ रोको उन्हें और खत्म कर दो। वहां से कश्ती आ रही है। क्या, कहाँ कश्ती? स्ट्रेंज, अगर ये कश्ती तो खाली है। चलो मुझे। अरे बताओ कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें? मैं कौन हूँ? मैं गवर्नर हूँ और एक लेजेंडरी पायरेट भी। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तुम सबकी जान लेने के लिए। पकड़ो इसे। भाग देने भाई। तुम जो चाहते थे मैंने वो कर दिया। Thank you.
अब तुम्हारा दूसरा काम शुरू होता है गवर्नर। तुम पायरेट भी होगे और गवर्नर भी, और बहुत जल्द दुनिया की ताकतवर आर्मी होगी तुम्हारे पास। आर्मी? लेकिन ये कैसे होगा? जल्द मालूम हो जाएगा, बस तुम इन्हें हुक्म दो, फिर ये वही करेंगे जो तुम कहोगे। आर्मी है। मैं इस सफर के लिए तैयार हूं माइलॉर्ड, लेकिन लगता है कुछ लोग अभी तक सो रहे हैं। मैं देखता हूं उन्हें। पर जल्दी करना सिल्वर, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। कहाँ गया? यकीनन कहीं पड़ा सो रहा होगा। स्क्वायर की तरफ से ये पैसे हैं तुम्हारे दोस्तों के लिए। उनसे कहो कि वो बेंट नामी लॉयर से जाकर मिलें। वो उन्हें आजाद करवाने में हेल्प करेगा। जोजो, ट्रेसी, लेन, कहाँ चले गए ये सब? टाइम खत्म हो गया, सफर शुरू किया जाए। बेवकूफ इंसान कहीं पर भी नहीं मिला, अब हमें उसके बगैर ही निकलना पड़ेगा। माफ कीजिएगा सर, मैंने सुना है कि जहाज पर आपको एक आदमी की जरूरत है। अगर मैं आपके काम आ सकूं तो मुझे खुशी होगी बहुत। किसने पूछा है तुमसे? चलो जाओ यहाँ से। मिस्टर सिल्वर, ये फैसला मैं करूँगा, तुम नहीं। जहाज पर मेरा काफी तजुर्बा रहा है, चाहे तो आप देख सकते हैं। काफी सफर किया तुमने समंदर का। जी हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले ही आना चाहता था, मगर इन लोगों को देखकर मैं डर गया। आप नहीं जानते, ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। लगता है जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया है। वेलकम मिस्टर एरो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तैयार है, सफर शुरू करो। जिम, हरी अप। वेलकम अबोर्ड जिम हॉकिंस। सुबह होते ही हमने अपना सफर शुरू कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि खजाना मिलते ही हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो क्या उस वक्त तुम्हें यह ख्याल नहीं आया कि इस सफर में कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल आया। ये मेरी जिंदगी का पहला समंदरी सफर था, और सच कहूँ तो आज भी मुझे यकीन नहीं आता कि वो सफर हमने कैसे तय कर लिया। लॉन्ग जॉन सिल्वर से सब मुतासिर हो चुके थे, और उसने हमें आमादा कर लिया था पायरेट्स को साथ ले जाने के लिए। शैडो हमारी जासूसी कर रहा था, हम पर नजर रखने के लिए उसने अपना एक आदमी हमारे साथ भेजा। जब हम लोग ब्रिस्टल से निकले तो मुझे अपने दोस्तों को पीछे छोड़ जाने का बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी जरूर थी कि समंदर के उस पार जाने का मेरा बचपन का ख्वाब पूरा हो रहा था। हमारा जहाज समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। जिम, क्या कर रहे हो यहाँ? तुम छुट्टी मनाने नहीं आए? काम करो चल के। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका पेट भरने के लिए खाने का इंतजाम करना है।
कोई तुम्हें यूं फारिग देखेगा तो उसका भी दिमाग खराब होगा। खाने के वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम सबको खाना सर्व करो। याद रखो, पेट भरा हो तो हर कोई खुश रहता है। हाँ, याद रखूंगा लॉन्ग जॉन। यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। अब जाओ, अच्छे बच्चों की तरह मेरे लिए गैली से आलू लेकर आओ। हाँ? उस तरफ है गैली, किचन का पिछला हिस्सा। जाओ, खड़े क्या देख रहे हो, लेकर आओ। जी, जा रहा हूँ। जोजो, ट्रेसी, लेन, तुम लोग वहाँ क्यों नहीं मिले जहाँ मैंने कहा था? हमारा छुपना बहुत जरूरी था जिम, और ये जगह बहुत बेहतर है, तो हम यहाँ चले आए। पर तुम लोग पकड़े जाओगे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये भरोसे के लायक नहीं। मुझे लगता है हमें कैप्टन के हवाले कर देगा। तुम हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो ट्रेसी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे भरोसा है तुम पे और तुम्हें जोजो। आलू अभी तक नहीं पहुंचे, कहाँ रह गए हो जिम? ओके, यही रहना और बाहर मत निकलना। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को कोई ना ढूंढ पाए। हाँ, हम तो यहाँ घूमने फिरने आए हैं ना। तो कैप्टन, आइलैंड तक पहुंचने में हमें कितने दिन लगेंगे? आप ये क्या कर रहे हैं माय लॉर्ड? हम अपने मकसद के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, वो एक राज है। कैप्टन सही कह रहे हैं, क्योंकि सबको यही पता है कि हम बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं। वैसे इतनी एहतियात की जरूरत बिल्कुल नहीं। हमने जिन लोगों को रखा है वो भरोसे के काबिल हैं। भरोसा तो मुझे भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें सारे राज बता दिए जाए। ये बात हम तीनों से बाहर नहीं जाएगी। कितने दिन लगेंगे आइलैंड पहुंचने? मुझे लगता है कि हमें 3 दिन में वहां पहुंच जाना चाहिए, लेकिन ये जो समंदर है किसी भी वक्त नाराज हो सकता है। हमें खबर मिली है कि कैमरन आइलैंड पर कुछ पायरेट्स गलत नियत से जा रहे हैं। 3 जंगी कश्तियां तैयार हैं, बस आपके हुक्म का इंतजार है। उन पायरेट्स से मैं खुद निमट लूंगा। सर, आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं, मैं ये सब संभाल लूंगा। कह दिया ना तुमसे, उन पायरेट्स को देख लूंगा मैं। तुम जाओ और जाकर जमैका की मदद करो। जैसा आपका हुक्म, मगर ये सब मेरी समझ से बाहर है। जानता हूँ सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन क्या ये है आपका खुफिया हथियार? तुम गए नहीं, जाओ यहां से। नए दोस्त का मैसेज आया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं दूसरों के दुश्मनों पे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हें एक चीज और सीखने की जरूरत है, और वो है फरमाबरदारी। मैं वही करूंगा जो तुमने कहा, लेकिन मैं उन लोगों से बदला भी लेना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया। धोखा? वो तुम थे जिसने उनको धोखा दिया। बदला लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अभी मालूम हुआ है कि वो लोग उसी आइलैंड पर जा रहे हैं। लॉन्ग जॉन सिल्वर भी उनके साथ है, जिसने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था वहाँ। इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मेरे एक इशारे पे समंदर उन्हें गर्क कर देगा। नहीं हो रे कौन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर इसकी वजह से मेरे काम में रुकावट आई तो तुम जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। ये लो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाया हूँ। ओह, फाइनली बिस्किट्स के अलावा भी कुछ खाने को मिला। शिकायत नहीं लिन, हम कैप्टन स्टैंटन की बेटियाँ हैं, हमें वही खाना होगा जो सबके लिए बने। लेकिन ये उस खाने से बहुत बेहतर है जो मैं वहाँ खाया करता था। मुझे लग रहा है कुछ सेलर फॉर्मेस के साथ छेड़खानी कर रहा है। मैं कुछ समझा नहीं जिम। फोर मास शिप के फर्स्ट पिलर को कहते हैं, और उसके पीछे 2 पिलर्स और होते हैं। वेल, कुछ देर पहले एक सेलर के साथ हादसा हुआ, उसने गलती से रस्सी काट दी। छुरी उसके हाथ में थी, अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका और गिर गया। क्या वो ठीक है? हाँ, बच गया।
उसकी टांग रस्सी में फंस गई थी, लेकिन छुरी कैप्टन स्मॉलेट के बूट से 4 इंच के फासले पर गिरी। वो तो बुरी तरह डर गए थे। तो फिर कैप्टन ने सजा में उसे कितने कोड़े मारे? 10 कोड़े। मगर इसमें उस बेचारे सेलर की क्या गलती? उसने जान के तो नहीं किया ना? जब भी कोई सेलर गलती करता है तो कैप्टन उसे सजा देते हैं। हाँ? एक भयानक सजा। डैड ने मुझे समंदर के बारे में बहुत कुछ बताया, मगर इसके बारे में तो कभी नहीं बताया। क्योंकि डैड एक अच्छे इंसान थे और वो तुम्हें डराना नहीं चाहते थे। हे, तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया कि इस जहाज पर एंटर कैसे हुए। हमें गंदम के जखीरे में जगह मिल गई थी तो हम वहाँ जाकर बैठ गए और किसी कुक ने आकर हमें नहीं देखा। तुम जैसे बदमाश लोग मुझे बेवकूफ कभी नहीं बना सकते। हमने बहुत ज्यादा खाना नहीं लिया सर, बस जितना इस प्याले में आ सकता था उतना ही लिया है, आप देख सकते हैं। खाने की बात नहीं, मैं यहाँ अंदर घुसने की बात कर रहा हूँ जो असूल के खिलाफ है। ये सब मेरी गलती है लॉन्ग जॉन, ये मेरा आइडिया था और मैंने ही कहा था नहीं आने के लिए। तुम अच्छे दोस्त हो जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यूं ही करता, लेकिन ये जहाज के असूलों के खिलाफ है। तो आपके कहने का मतलब है कि वो कैप्टन अब हमें सजा देंगे? कैप्टन तुम्हारी सोच से भी बढ़कर तुम्हें सजा दे सकता है, इतनी कि तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। नहीं, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि शिप पर कौन सी सजाएं दी जाती हैं। डैड ने मुझे तो नहीं बताया ये सब, आखिर उन्होंने क्यों छुपाया मुझसे ये? क्योंकि उस वक्त ये बातें समझने के लिए तुम बहुत छोटी थी लेन। ये दोनों समंदर की लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। इनके बाबा भी एक कैप्टन थे। ओह, तो तुम्हारे बाबा कैप्टन थे। क्या आपने कभी कैप्टन स्टैंटन के बारे में सुना है? नेवी में वो सबसे बेस्ट थे। साइमन स्टैंटन, बिल्कुल याद है, मेरे होटल में रुका करते थे। खुशी हुई तुमसे मिलके। लेकिन मैं तुम लोगों को सजा से नहीं बचा सकता। लॉन्ग जॉन, आप कैप्टन को तो नहीं बताएंगे ना? लॉन्ग जॉन ऐसा आदमी नहीं है, अगर तुम ये सोचते हो तो बहुत बुरी बात है। ओके। लॉन्ग जॉन अपने दोस्तों की हिफाजत करना जानता है, और हाँ, कैप्टन के सजा देने से पहले जितना चाहे पेट भर के खा लो। बहुत जल्दी आ गए तुम। मैंने तो इंग्लैंड की सबसे अच्छी बोट ली थी, मुझे तो इनाम मिलना चाहिए। मैंने कहा था कि मुझे बोन्स और सिल्वर दोनों की मौत की खबर देना, वरना डील कैंसिल। हालात के बदल जाने की वजह से मुझे काम इस तरह करना पड़ा, आपको अंदाजा होना चाहिए। तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो शैडो। वैसे मुझे नक्शे के बारे में अंदाजा नहीं था, और ना ही इस बात का कि सिल्वर उस खजाने के पीछे दोबारा जाएगा। स्क्वायर के हाथ बिली बोन्स का नक्शा आखिर लगा कैसे? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन बेवकूफों का फायदा उठाते हुए वहां पहुंचेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। सब लोगों को चकमा देकर लॉन्ग जॉन फिर पार्टी करेगा। सब लोगों को चकमा देकर लॉन्ग जॉन फिर पार्टी करेगा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे फिर किसी ने कैद कर लिया हो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, डॉक्टर लेविसी ने मुझे कुछ दवाएं दी थी, रुको मैं अभी लेकर आया। रहने दो जिम, मत भूलो कि तुम एक कैप्टन की बेटी हो और तुम्हारे लिए शिप पर रहना नॉर्मल होना चाहिए। फिक्र की बात नहीं है, ये दर्द खुद खत्म हो जाएगा। एक अजीम कैप्टन की बेटी भी समुद्री हवा से बीमार हो सकती है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ये तो सच कहा, डैड भी कभी बीमार हो जाते थे, मगर तब ही जब कोई बड़ा तूफान आता था। इसमें कोई शक नहीं, स्टैंटन्स को भी कोई समुद्री तूफान कभी नहीं हरा पाया। गुड गर्ल्स, अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जैसा आपका हुक्म कमांडर। आ जाओ, साफ करो इसे, कैप्टन डिनर में फिश खाना चाहता है। अच्छे से साफ करना और फिर काटना। इसके पीसेस भी तरीके से किए जाते हैं। मैं इसका बहुत ही जायकेदार सूप तैयार करूंगा। वैसे तुम जानती हो, फिश का सूप बहुत ही मजेदार होता है, अगर उसमें उसका सर भी शामिल किया जाए। इसकी स्मेल तो बहुत तेज है, शायद तुम्हें ये स्मेल पसंद ना आए, लेकिन ऐसे जायके सेलर की कमजोरी हुआ करते हैं। मैं इस पर मजीद बात भी करता, लेकिन शायद तुम जान चुकी हो जो मैं समझाना चाह रहा था। नेपच्यून एक जंगली जानवर है, खुद को उससे ताकतवर समझना खुद को मुसीबत में डालने वाली बात है। मुसीबत, मुसीबत। तुम काफी थकी हुई लग रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जिम ने मुझे कैंडीज दी हैं, क्या तुम खाओगी?
वेल वेल, तो यहाँ कैडीज भी हैं। टेस्टी, मुझे अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इतना कुछ छुपा हुआ है। जिसका मुझे डर था वही हुआ। ये हवाएं हमारा रास्ता रोक रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तूफान में फंस जाएं। लेकिन मुझे एक और भी परेशानी है, और वो यह है कि इस जहाज के क्रू को शक हो गया कि हम उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कैप्टन, मैं सिल्वर से बात कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, जो होगा देख लेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आइलैंड पर पहुंचकर सबसे बात करनी होगी कि हम इस खजाने को आपस में किस तरह से बांटेंगे। तो क्या ख्याल है आपका? ये तय कर लो कि किस सेलर को कितना मिलेगा, और रही बात हमारी हिफाजत की, इसके लिए बस उन्हें खुश रखो। माजरत चाहता हूँ, हवा का दबाव बढ़ रहा है कैप्टन। सॉरी जेंटलमैन, अब मुझे जाना होगा। मुझे नक्शों में हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, और कैप्टन से बहुत कुछ सीखा है मैंने इस बार। तारीफ बाद में कर लेना, अभी काम का वक्त है। जहाज की मेन सेल और छोटी सेल ऊपर रहेंगी, और बाकी सेल्स नीचे कर दो, जल्दी। कहाँ जा रही हो? ये क्या तमाशा हो रहा है जहाज पर? सब कुछ बिल्कुल ठीक है कैप्टन, मिस लिन भूल गई थी कि शिप पर चूहे भी होते हैं। ये लड़कियां मेरे जहाज पर क्या कर रही है सिल्वर? कैप्टन देखे, मैं आपको सब समझा सकता हूँ। कैप्टन ने तुमसे कुछ नहीं पूछा। मैंने किचन में काम करने के लिए रखा है इन दोनों लड़कियों को। मुझसे पूछा क्यों नहीं? मेरे जहाज पर लड़कियाँ अलाउड नहीं है। तो आप नहीं जानते, ये यकीनन जोजो की हरकत है। सच बताओ कि शिप पर कैप्टन की मर्जी से नहीं आए? ये तो वही लड़का है, मास्टर बोल्डविन का गुलाम। क्या ये भाग कर आया? मैं तो समझा कि आप ही ने इजाजत दी होगी। सिल्वर, इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। एक मिनट रुके कैप्टन, मुझे बताएं क्या हुआ है। लिन और ट्रेसी मेरी दोस्त हैं जो कि मुश्किल में थीं, और इनकी मदर, हमारी स्टेप मदर एक बुरी और जालिम औरत है जिससे बचकर आए हैं हम यहाँ। इनकी स्टेप मदर इन्हें मारती थी और घर से कहीं दूर भेजना चाहती थी। और मैं भी अब मास्टर बोल्डविन की मजीद गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खामोश हो जाओ तुम, मैं खुद तुम्हें मास्टर बोल्डविन के हवाले करूँगा। आप ठीक कह रहे हैं, हमने गलत किया नहीं यहाँ लाकर, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ मुझे सजा देनी चाहिए कैप्टन। जेम, यहाँ किसी को सजा नहीं दी जाएगी, और अच्छे काम के लिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम किसी को सजा नहीं देंगे, लेकिन एक शर्त है, सफर के इख्तिताम तक तुम्हें यहाँ काम करना होगा। खैर, तुम सबको सेलर्स की जॉब करनी है। क्या मुझे भी? मुझे पिंजरे से जरा बच गए। ये नया नाम है इन पिलर्स का, मैंने रखा है। एहतियात से, जल्दी करो इससे पहले कि हवा इसे उड़ा ले जाए। क्या तुम मुझसे रस्सी के बारे में कुछ पूछना चाहोगे जोजो? जो रस्सी मेरे पेट पे बंधी है वो कैसे खुलेगी? आप सेलर्स हर चीज को क्यों एक अजीब नाम दे देते हैं? लॉन्ग जॉन, क्या मैं उनकी तरह ऊपर जा सकती हूँ? ये बच्चों का खेल नहीं है, पहले बड़ी हो जाओ। नेक्स्ट टाइम द राइट लेग। मैंने किया। वो
कई कई महीने उसमें सफर करता था, फिर ऐसा हुआ कि एक दिन जिम नीचे आओ। तुम में एक अच्छे सेलर की सारी खूबियां मौजूद हैं जिम, देखकर खुशी हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मेहनत करने से घबराते नहीं हो। वैसे इतना काम तो होटल में भी नहीं किया मैंने, मगर ये जहाज बहुत बड़ा है और यहाँ मैं आजाद फील करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम इतने पैसे कमाओगे कि होटल को भूल जाओगे। जमा भी कर सकूंगा और अपनी स्कूल फी भी दे पाऊंगा। आप और स्क्वायर क्या करेंगे? मुझे सिर्फ कॉडेक्स सिंडिकस चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो बुक हमें जरूर मिल जाएगी। वैसे उस कॉडेक्स बुक में ऐसी क्या खास बात है जो किसी और बुक में नहीं? हमारे पास जो बुक्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश हिस्ट्री पर हैं। मतलब कॉडेक्स कहीं और की हिस्ट्री है, तभी वो इतनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लगा सुनके। अगर तुम यूं ही दिल लगाकर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन बहुत ही मशहूर दौलतमंद आदमी बन जाओगे। मगर मुझे आपकी तरह बनना है, मुझसे भी बड़ा आदमी बनना, समझे? जॉन सिल्वर की क्या खबर है? आपका काम जल्द हो जाएगा, मुझे अपने कौओं पर पूरा भरोसा है। ये दुनिया के सबसे अच्छे मैसेंजर्स हैं। हमें जल्द वो खबर मिल जाएगी जिसका हमें इंतजार है। क्या तुम्हारा कौवा इतनी देर उड़ सकेगा? जैसे ही कुछ मालूम होगा आपसे खुद रابطہ करूंगा। काफी अच्छा मौसम है आज। अच्छा नहीं है सर, जरा वहाँ सामने देखिए उन काले बादलों को, कुछ भी हो सकता है। अच्छी नजर है तुम्हारी। गुड, लगता है तूफान आएगा। वाह, क्या खुशगवार दिन है आज तो, काम करने का मजा ही आ जाएगा। हेलो, तुम भी यहाँ हवा खाने आए हो? लगता है आज काफी काम करना होगा। हुआ क्या है तुम्हें मेरे दोस्त, बताओ तो सही। क्या कोई बीमारी हो गई है जो ऐसे बेचैन फिर रहे हो? तो वजह ये है, जो इंसानों को तो क्या जानवरों को भी परेशान किए हुए है। आखिर ये किसको इशारा दे रहा है? लगता है इसने कुछ देखा है वहां। ये किस किस्म का परिंदा है? अब मैं समझा, ये परिंदा मैसेंजर है, मतलब कोई है इस जहाज पे जासूस। की कोशिश करो, मैं नीचे देखता हूं। तुम किसके लिए काम करते हो? मैंने कुछ पूछा है तुमसे। क्या पूछा है? मैं मुजरिमों से बात नहीं करता। तो तुम जानते हो कौन हूं मैं? अब जरा तुम बताओ कि तुम कौन हो। अच्छा तो लड़ना चाहते हो तो मुझसे आ जा। मैंने कुछ पूछा है, किसके लिए काम करते हो? बता दो मुझे कौन हो, वरना मारे जाओगे। मैं दोबारा तुमसे नहीं पूछूंगा। अब भी वक्त है, बता दो किसने भेजा है तुम्हें, वरना मारे जाओगे। क्यों बताऊं मैं तुम्हें, तुम मार दोगे मुझे। अगर नहीं बताया तो मारे जाओगे, क्योंकि खजाना सबके लिए है। मैं साथ हूं तुम्हारे, जो कहोगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा किसने भेजा है तुम्हें। नहीं बताऊंगा। ये है तुम्हारी सजा।
बेवकूफ ने मरने से पहले कुछ बताया भी नहीं। No sign of Mr. Arrow. हमने शिप का कोना कोना छान मारा, लगता है उन्हें तूफान बहा कर ले गया। ए खुदावंद, तू ही माफ करने वाला है, मैं बहुत गुनाहगार था, मुझे बख्श दे। जिंदगी और गाड़ी चलने का नाम है, चलो काम करो और जैसे ही फ्री हो जाओ किचन में आ जाना। ट्रेसी, आज सारा दिन हमने बहुत काम किया, मुझे भूख लगी है। क्या जिम मेरे लिए एप्पल्स नहीं ला सकता जो बैरल में छुपा के रखे हैं? अभी नहीं लेन, हमें काम करना है, खाना बाद में खाएंगे। मैं जाता हूँ, तुम लोग सफाई करना शुरू करो, एप्पल्स मैं लेकर आता हूँ तुम सब के लिए। नहीं, ये काम जिम करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम वापस आओगे। ओके फाइन, ये काम तुम्हें करना होगा जिम, वरना लिन हमारा सर खा जाएगी। जैसा आपका हुक्म लेडी। Well, ये एप्पल्स कुछ अजीब लग रहे हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। पूछो क्या पूछना है? यहाँ आसपास कोई नहीं है। सच बताओ लॉन्ग जॉन, कैसे मर गया है रू? कहाँ गया? तो बस यूं ही समझ लो कि उसका वक्त आ गया था। तो फिर देर किस बात की है, इनको भी खत्म करते हैं। अभी नहीं, अभी हम तैयार नहीं है, हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। हम पायरेट्स हैं सिल्वर, कहीं ऐसा तो नहीं हाँ? कि खजाने का वजूद ही ना हो। मैंने खजाना अपनी आंखों से देखा है, यकीन करो। सिल्वर, एक बात परेशान कर रही है मुझे, मैंने देखा है उन बच्चों से तुम्हें कुछ ज्यादा ही हमदर्दी हो रही है, क्यों? ये क्या कह रहे हो? क्या जब वक्त आएगा तो इसी तरह ख्याल रखोगे उन बच्चों का जैसे अभी रखते हो? तुम लॉन्ग जॉन को अच्छी तरह जानते हो, वक्त आने पर साबित हो जाएगा। हाँ? लैंड ऑफ द स्टारबोर्ड बाउ, द आइलैंड। हाँ?